अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं मेरा इंफॉर्मेटिव मैकेनिकल चैनल मैकेनटेक स्किल। सो व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। सो व्यूअर, आज की जो वीडियो मैंने बनाई है, ये वीडियो जो है टोटल रिलेटेड है एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जो प्लम्बिंग वर्क किया जाता है उससे। और यहाँ पर जो मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर ये बिल्डिंग है, कंक्रीट स्ट्रक्चर की बिल्डिंग है, जिसको हम स्टैंडर्ड वर्ड्स में कहते हैं प्रीकास्ट पैनल्स और होलो कोर, इससे मिलके ये एक बिल्डिंग बनाई जाती है पूरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्डिंग के नीचे ड्रेनेज पाइप का काम किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्यूअर्स, आप बिल्डिंग के नीचे जो है बड़े ही साफ तरीके से और बहुत ही क्लीन तरीके से जो है प्रॉपर मेथड के ज़रिए जो है UPVC पाइप एंड फिटिंग्स की इंस्टॉलेशन की गई है विद सी चैनल एंड थ्रेड रॉड एंड विद पाइप क्लैंप्स, जिसमें साइजेज़ हैं इसके 75 mm, 110 mm। इसके साथ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल पैनल के अंदर भी PPR पाइप इंस्टॉल हैं, और जो ड्रॉप हो रहा है ड्रेनेज पाइप उसके भी पाइप यहाँ पे जो है इंस्टॉल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यूअर्स, हमारे पास दो राइज़र यहाँ पे यूज़ हुए हैं, जो एक 110 mm का राइज़र है, दूसरा 75 mm का राइज़र है। 110 mm का जो राइज़र है उसका पर्पज़ ओनली जस्ट फॉर WC इंस्टॉलेशन, और WC का जो वाटर है सॉइल वाटर उसको यहाँ से ड्रॉप करना है। जबकि जो हमारे पास 75 mm का राइज़र है उसका जस्ट वो जो पर्पज़ है वो पर्पज़ ओनली जस्ट फ्लो ड्रेन है, यानी फ्लो ड्रेन में बाथ टब या शावर और शावर के साथ फ्लो ड्रेन और वाश बेसन का जो पानी है जिसको हम वेस्ट वाटर कहते हैं, वेस्ट वाटर जो है वो यहाँ से बेलो दी स्लैब ड्रॉप होगा, और ड्रॉप होने के बाद राइजर से आउटसाइड के नेटवर्क में शामिल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जो 110 mm का राइजर है, यहाँ पे जो है क्लीन आउट का यूज़ किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे क्लीन आउट है मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए। व्यूअर, इस तरह जो क्लीन आउट दिए गए हैं वो दोनों ही लाइनों में दिए गए हैं, यानी WC की जो लाइन है उसमें भी मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए क्लीन आउट है, और जो वेस्ट वाटर यानी फ्लो ड्रेन की जो लाइन है उसके अंदर भी जो क्लीन आउट है वो मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए दिए गए हैं, ताकि फ्यूचर में अगर यहाँ पे कोई भी ब्लॉकेज होती है या कोई चीज़ स्टक कर जाती है अंदर, तो इजीली उसको ओपन करके क्लीन आउट को वहाँ से हम उसको क्लीन कर सकते हैं। सो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो फ्लो ड्रेन है वो एक तरफ से वॉश बेसन का पानी लेके आ रही है, दूसरी तरफ से जो फ्लो ड्रेन है उसमें शावर का पानी आ रहा है, और जो फ्लो ड्रेन में थर्ड कनेक्शन है वो वेंटिलेशन का है, यानी वेंटिलेशन थ्रू दी फर्स्ट फ्लोर जो है पैरापेट, यानी पैरापेट का मतलब जो आपकी जो रूफ़ की वॉल है वहाँ से ऊपर जाके वो इसके ऊपर वेंट कैप लगा देते हैं। इस तरह ये एक वेंटिलेशन पाइप जो है फ्लो ड्रेन से वेंटिलेशन तक कंप्लीट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 45 का यूज़ किया गया है, ताकि जहाँ भी आपने राइजर को ड्रॉप करना है तो वहाँ पे 45 लगाएं, ताकि पानी और सलज और जो अपना वेस्ट और सॉइल वाटर है वो इजीली जो है ड्रॉप हो सके राइजर में। यहाँ पे देख सकते हैं जो मेजर्स फिटिंग्स हैं जिसमें फ्लो ड्रेन है यानी फ्लो ट्रैप है, और साथ में जो क्लीन आउट्स जो है जहाँ पे वाई वगैरह शामिल हो रही, वहाँ पे जो हमने यूज़ किया है सी चैनल का या यू चैनल, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं विद 10 mm की थ्रेड रॉड के साथ, ताकि अगर फ्यूचर में उसको ऊपर से क्लीन करना हो तो उसका जो प्रेशर है, हम क्लीन करते हैं जब हम इसमें रॉड डालते हैं या कोई जो वो है क्लीनिंग वायर है वो डालते हैं, तो उसका जो प्रेशर होता है उसको नीचे से वो उसको अच्छी सपोर्ट हासिल हो। तो व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल जो है मैकेनटेक स्किल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नए वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा।